नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिथुन, आप देख रहे डिजिटल मैडम। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ पैन कार्ड से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें शेयर करने वाले हैं। जैसे आप सभी ने जानते होंगे कि पैन कार्ड एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स माना जाता है इंडिया में, और हमारा उम्र जब 18 साल या फिर 18 साल से ऊपर हो जाते हैं तब हमारे लिए पैन कार्ड बनाना बहुत जरूरी होता है। और साथ ही साथ जो है आपके पैन कार्ड को आपके बैंक अकाउंट के साथ भी लिंक कराना पड़ता है, तभी जो है आपके बैंक अकाउंट कंटिन्यू रहेगा। और आप अगर नया बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके लिए भी आपको पैन कार्ड का देना बहुत ही जरूरी है। अब बात आता है कि गवर्नमेंट ने पैन कार्ड का शुरुआत क्यों किया था। ऐसे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, उसके बाद हो गया ड्राइविंग लाइसेंस, हो गया वोटर आईडी कार्ड, हो गया पासपोर्ट, हो गया ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो पहले से मौजूद है, उसके बाद भी क्यों पैन कार्ड का शुरुआत किया था। तो आपको बता दो, पैन कार्ड का लॉन्च इसके लिए किया गया था कि आप इंडिया में रह के कितना रुपए जो है मतलब इनकम कर रहे हैं, कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है नज़र रख सकता है पैन कार्ड के माध्यम से ही। इसके लिए जो है आपके पैन कार्ड को आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया गया है। तो गवर्नमेंट नज़र इसके लिए रखता है कि इंडिया में जो है एक मतलब इनकम का लिमिट लैब होता है, उस लिमिट लैब में जैसे अगर 1 साल में आप 5 लाख या 10 लाख रुपया जो है कमाते हैं और उसके ऊपर अगर कमाते हैं तो आपको सर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो पैन कार्ड की मदद से गवर्नमेंट की तरफ से मतलब फाइंड आउट करते हैं कि कौन मतलब कौन पर्सन कितना कमा रहे हैं और कौन इनकम टैक्स लैब के अंदर आता है, कौन नहीं आते है, तो फाइंड आउट करते हैं। और जो इनकम टैक्स के मतलब लैब में आता है उनको जो है पर्सनली नोटिस भेजा जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप इस साल के लिए जो है इनकम टैक्स भरे। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने पैन कार्ड का शुरुआत किया था। अब बात आती है कि पैन कार्ड तो हम कैसे भी बना सकते हैं, जैसे ऑनलाइन, ऑफलाइन, किसी भी एजेंट के माध्यम से या फिर किसी और ऑफिस के माध्यम से, बहुत सारे अलग अलग तरीका है पैन कार्ड बनवाने के लिए। लेकिन अब बात आती है कि आपको जो पैन कार्ड मिलता है, चाहे किसी थर्ड पार्टी एजेंट के माध्यम से हो या फिर ऑनलाइन या फिर किसी और ऑफिस के माध्यम से आपको पैन कार्ड मिलता है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये पैन कार्ड आपका ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, और ये पैन कार्ड आपका जो एक्टिव है या फिर नहीं, आप कैसे बता कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ, इससे आप आसानी से आपके पैन कार्ड को चेक कर सकते हैं कि ये पैन कार्ड आपका ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, और ये पैन कार्ड अभी आपका एक्टिव है या फिर नॉट एक्टिव है, वो भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो को देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पैन कार्ड ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है उससे चेक करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल के क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। उसके बाद वह हमें सर्च करना है इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in। ये जो साइट का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, उधर से भी आप जा सकते हैं। ये देखिए साइट जो आ गया। उसके बाद आपको 3 डॉट पर क्लिक करके साइट को जो है डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको इस मैसेज को जो है इधर से क्लोज कर देना है। उसके बाद आप क्विक लिंक्स में देखें कि 11 नंबर ऑप्शन में जो आपको दिखेगा कि वेरीफाई और पेन डिटेल्स, तो उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको पेन का एक बॉक्स दिखेगा, उसमें आपका आपका पैन कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद आपका पैन कार्ड में जो भी नंबर नेम है वो नाम आपको डालना है इधर। उसके बाद आपके पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन किया था वो डेट ऑफ बर्थ आपको इधर सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्टेटस में आप अगर खुद का चेक करना चाहते हैं मतलब पैन कार्ड के बारे में, तो इंडिविजुअल रहने देना है, और अगर किसी कंपनी का चेक करना है तो उसमें वो कंपनी का भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको इमेज में कैप्चर आएगा, वो कैप्चर नीचे का बॉक्स में डाल के सबमिट कर देना है। तो चलिए अभी अपना पैन कार्ड में डिटेल्स सब डाल देता हूँ। उसके बाद अपना फुल नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद इधर आपको कैप्चा, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे कि वेरीफाई योर पेन का नीचे एक पेन इज एक्टिव एंड द डिटेल्स आर मैचिंग विद पेन डाटाबेस, मतलब जो है हमारा पैन कार्ड मतलब ये पैन कार्ड के डाटाबेस में सही मैच हुआ है, यानी कि हमारा पैन कार्ड ओरिजिनल है। ठीक है, तो इसी तरह से आप आपके पैन कार्ड को जो है चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपके पैन कार्ड जो ओरिजिनल है डुप्लीकेट है, और अगर आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं वो भी आप चेक कर सकते हैं।
दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आप कैसे आपके पैन कार्ड को ऑनलाइन चेक करके पता कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, और आपका पैन कार्ड जो एक्टिव है और नॉट एक्टिव है वो भी आप पता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो से जुड़े हुए आपके किसी भी तरह के सवाल या सुझाव रहते हैं तो आप नीचे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।